और मैंने छोरे में खाना तो बहुत गु़स्सा है वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग तो शाम का टाइम है मैं किचन में आ चुकी हूँ डिनर बनाने के लिए और मैं प्याज पहले ही कट कर चुकी थी अभी बस टमाटर कट करने हैं उससे पहले जो है ऑयल वगैरह भर लेती हूँ ऑयल के कंटेनर्स में जो कि मैंने अभी सुबह के टाइम ही वॉश कर दिए थे अच्छे से इनका जितना भी पानी था अंदर वो सूख चुका है अच्छे तरीके से पानी सुखाना बहुत जरूरी है अगर आप ऑयल के कंटेनर वॉश करते हैं तो अगर एक दो बूंद भी रह गई ना तो फिर बाद में जब आप सब्जी में ऑयल डालोगे ना वो वाला तो वो जो पटाखे से बचते हैं ना और छींटे पड़ती हैं तो नुकसान हो सकता है इसलिए अच्छे से इसको सुखा लो हल्का फुल्का पानी है अभी ना तो उसको कपड़े से अच्छे से वॉश कर लो जैसे कि देखो मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि इसमें हल्का सा पानी लग रहा था मैंने सरसों का तेल भर लिया है और अभी रिफ़ाइन का ऑयल भर रही हूँ और ये जो कंटेनर है बहुत अच्छे हैं इनसे ऑयल निकालना डालना कढ़ाई में किसी भी बर्तन में बहुत ही इजी हो जाता है और ये छोटी वाली जो है ये तेल, तेल डालने वाली और घी दानी भी बोलते हैं इसको तो मेरे पास दो है एक तो अभी सूखी नहीं है एक में मैंने अभी सरसों का तेल डाल दिया दूसरी में मैं देसी घी डालूंगी और टमाटर मैंने कट करने स्टार्ट कर दिए हैं अभी भी आप देख सकते हो किचन पे धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं सिंक के पास इनको भी मैं समेटूंगी फिर उसके बाद जो है मैं आगे का काम स्टार्ट करूंगी यानी कि खाना बनाने का मुझे फैली हुई किचन बिल्कुल पसंद नहीं आती पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं जो मतलब किचन बिल्कुल फैली होती है और काम कर लेते हैं मुझसे तो बिल्कुल भी काम नहीं होता बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां खड़ी हूं मैं बेकार जगह पे सच्ची में यार किचन हमेशा संभली हुई होनी चाहिए जो कि मैं हमेशा रखने की कोशिश करती हूँ गैस पे चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई एक्स्ट्रा बर्तन हटा दिए हैं गैस के पास से ताकि मैं अच्छे से सुकून से काम कर सकूँ और अभी देखो मैं इस वाली शेल्फ में जो है छोटी सी शेल्फ में रखती हूँ दोनों ऑयल के कंटेनर और साथ में एक में मैं रखती हूँ ये मसाले जो कि चाट मसाला हो गया सांभर मसाला हो गया कसूरी मेथी हो गई ये सब चीज़ें रखती हूँ तो कसूरी मेथी में जो चाहिए थी छोले में डालने के लिए मैंने निकाल ली है और नीचे जो देख रहे हो ना आप कपड़े तो वो सारे रसोई के कपड़े हैं झाड़न हो गया या फिर शेल्फ साफ करने का कपड़ा हो गया एक्स्ट्रा रखे हुए हैं धुल के तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल के प्याज डाल दिया है प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था तो इसमें टमाटर डाल दिए हैं उसके बाद मैंने नमक डाला है हल्का सा क्योंकि उबालते टाइम भी डाला था फिर उसके बाद लाल मिर्च धनिया पाउडर थोड़ी सी खटाई और उसके बाद हल्दी नहीं डाली हल्दी नहीं डाली मैंने गर्म मसाला डाला फिर उसके बाद छोले मसाला इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है अच्छे से क्रश करके और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को अच्छे से मैं पकने दूंगी खूब अच्छे से टाइम लेना है पकाने के लिए कम से कम पाँच से सात मिनट तो इसको पकाना ही है बाद में भी आगे हम पकाएंगे जब छोले वगैरह डालेंगे ना तब भी पकाएंगे तो आप बेफिक्र रहिए बहुत अच्छा आसानी से जो है आप इस छोलों को बना सकते हो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला जीरा नहीं डाला काफ़ी सारी चीज़ें मैं मैंने मिस कर दी है मसाला हमारा अच्छे से पक चुका था तेल छोड़ चुका था तो इसमें मैंने अपने छोले ऐड कर दिए हैं छोले के उबालते टाइम जो पानी डला हुआ था उसके साथ ही मैंने छोले इसमें डाल दिए हैं ग्रेवी इतनी बहुत रहेगी और अभी छोले देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारे छोले बना लिए हैं हम तीन जने हैं मैं राखी और दिया हमारे लिए शायद ये ज़्यादा हो गए बट कोई नहीं हम जो है सुबह भी खा सकते हैं या फिर कल दोपहर को भी खा सकते हैं चावल के साथ और मैं साथ में चावल ही बनाऊंगी ये देखो मेरे जो छोले हैं पककर तैयार हो चुके हैं मैंने छोले डालने के बाद भी इसको कम से कम दस मिनट पकाया है ये देखो छोले हो चुके हैं अच्छे से रेडी और अब मैं इसके साथ पता क्या बनाऊंगी मैं बनाऊंगी चावल भटूरे वटूरे कुछ नहीं बना रही हूँ मैं मेरा बिल्कुल मन नहीं है दिया के लिए रोटी बना दूंगी क्योंकि रात के टाइम चावल नहीं देना उसको नुकसान करता है छोटे बच्चों को तो छोले so, बनाने के बाद मैंने चावल भिगो दिए मैंने सोचा कि जब खाएंगी तभी मैं गर्मा गर्म जीरे वाले चावल छोंक दूंगी और अभी मैं अच्छे से हैंड वॉश करके फेस वॉश करके पैरों को धुल के आ चुकी हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए शाम के टाइम में पूजा जरूर करती हूँ कभी कभी ही ऐसा होता है कि मैं मिस कर जाती हूँ पूजा वो भी इसलिए कि काम में इतना बिजी हो जाती हूँ कि आठ कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता और अभी भी सात बज रहे हैं थोड़ा सा लेट हो गया पूजा करने में बट करती ज़रूर मैं दीपक ज़रूर जलाती हूँ सो so, मैं खाना वाना बना के यानी कि छोले और चावल भिगो के पूजा करके थोड़ा सा घर समेट के लेट गई थी आराम कर रही थी दिया जो है आज अपनी नानी के घर पर गई हुई है जिद करके गई है काफ़ी ज़्यादा कि मैं आज अकेले जाऊंगी अकेले जाऊंगी मैं कल भी नहीं जा पाई थी मम्मी के घर पर कल भी खाना बनाने में लग गई थी और कल भी ये था कि दिया सुबह जल्दी उठी थी तो शाम को जल्दी सोएगी दोपहर में सोती नहीं है वो आज भी उसको जल्दी ही सोना है बट बहुत जिद करके गई है मैं आपको बताऊं मैंने उसको आज मारा भी था दोपहर पे किसी बात पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी मुझसे बाकी मैंने प्यार किया था मान गई थी लेकिन मेरी शिकायत लगाने स्पेशली गई है वो नानी से कहती नानी को कहूँगी मम्मी ने मुझको रैपट मारा था <laughs> रैपट मारा था मैंने उसको कुछ उसने ऐसा काम किया था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और वो दोबारा ना करे इस वजह से मेरे को थोड़ा सा उसको एक लगानी पड़ गई चपत नहीं करेगी वो दोबारा काम मुझे पता है और मम्मी को भी अगर मैं बताऊंगी ना मैंने इसलिए मारा था तो मम्मी मुझे कुछ नहीं कहेंगी बाकी हाँ उसके मामा और उसकी नानी गुस्सा जरूर करते हैं कि उसको मारा क्यों बाकी वो तो लाडली है ना उसके तो हर चीज मानी जाएगी मैं कैमरा ट्राईपोर्ड में लगा देती हूँ <laughs> हाई राम हाई <है> राम <laughs> तो देखो मैडम कब आती है मेरा मतलब मन नहीं लगता उसके बिना ऐसा लगता है सब कुछ अधूरा अधूरा सा कुछ काम ही नहीं है अभी वो होती तो फटाफट से उसके लिए रोटी बनाती मैं चावल मैं उसको नहीं दूँगी शाम के टाइम कोई भी चावल क्या ठंडी चीज़ नहीं देती हूँ मैं उसको वो होती तो अभी मैं उसको साढ़े सात बजे से खाना खिलाना शुरू कर देती और अभी देखो टाइम क्या हो रहा है टाइम हो रहा है आठ बज के कैसे दिखा वो टाइम कोई तो वाल पेपर ऐसा दिखेगा जिसमें दिख जाएगा टाइम ये देखो आठ बज के सोलह मिनट हो रहे हैं टाइम बिल्कुल नहीं कट रहा है बिल्कुल भी नहीं कट रहा है उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ मुझे ऐसा फ़ील होता है अगर वो नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती नहीं होती पूरा दिन कैसे निकल जाता उसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी शरारतों में बातों में मीठी मीठी पता ही नहीं चलता <laughs> स्कूल जाने लगेगी तो मेरा और टाइम पास नहीं होगा सच्ची बता रही हूँ टाइम काट देती है मेरी बच्ची मेरा ना मतलब वो होता है ना कि हमारे पास तो कुछ काम नहीं है सच्ची में घरेलू काम के अलावा बाकी वो पूरा टाइम मेरा किसी ना किसी काम में लगा ही रखती है अपने आप में ही लगाए रखती है तो अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ देखो उसके मामा छोड़ कर जाते हैं या फिर मैं ही उसको लेने जाती हूँ देखती हूँ क्योंकि आज बड़े पापा की मेरे डायलिसिस भी है तो पूछ यू उधर बिजी होगा आ रहा जा रहा होगा उसका खुद का भी काम होता है तो वेट कर रही हूँ अगर वो आना होगा ना उसको तो मम्मी फ़ोन कर देगी अगर वहाँ पर सोना भी होगा तब भी मम्मी फ़ोन कर देगी बाकी वेट कर रही हूँ मैं उसका <laughs> क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ खाना रेडी है मेरा चावल बनाऊँगी उसी टाइम जिस टाइम खाने होंगे राखी आएगी साढ़े आठ पौने नौ बजे के करीब बाहरी घूम रही है वो आवाज़ आ रही है उसकी सारी बहनें बाहर घूम रही है इस टाइम पे थोड़ा निकल जाते हैं चलो करती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में बात बार बार ऐसा लग रहा है वो यार आ रही है गाड़ी का हॉर्न सुन के ना नहीं वो नहीं है तो so फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा दिया आ चुकी है रात के पौने नौ बज रहे हैं काफ़ी लेट हो गया उसको आ जाने में शायद उसके मामा जो है अभी हॉस्पिटल से वापस आए थे लेकिन वो आ गई है उसको पता रहता है कि मम्मी घर पर अकेली है और वैसे भी जो है उसको थोड़ी देर में ही मम्मी की याद आ जाती है खेल लेती है खा लेती है फिर लास्ट में उसको मम्मी ही चाहिए होती है तो दिया यहाँ पर जो है मेरे को प्यार कर रही थी ये देखो इसको भी बेचैनी होने लगती है मेरे को तो रहती रहती है इसके बिना मुझसे तो बिल्कुल नहीं रह जाता तो अब हम दोनों जो है अंदर जाके खेलेंगे थोड़ा सा राखी भी आ जाएगी फिर बंद कर लेंगे घर हाँ। कैसा लगा नानी के घर पे बहुत अच्छा अन्य को दे दो ऐसे तो अबे मम्मी के साथ बैठ जाओ थोड़ी देर फोन चलाना है रिमोट ये लो अनन्या रिमोट अपना निमोट आपका निमोट नहीं है मेरा निमोट है मेरी याद आ रही थी वहाँ पे हां क्या खा के आए हो सच्ची सच्ची बताना राजमा रोटी राजमा रोटी हाँ। वाओ आपका फेवरेट आपने तो बोल आपने तो बोला था मम्मा छोले बना लो लो जी चल गया दरबार तो बंद कर <laughs> क्या है तू? मैंने बेटे को फोन तो दे दो बोर हो रहा है बोर हो रहा है आपका बेटा मेरा बेटा बोर हो रहा है और मैं मम्मी बोर हो रही थी जो बाबू के बिना खांसी हो रही है दवाई दे दो चलो क्या दवाई का टाइम हो गया सो so, दिया के आने के बाद मैंने चावल बना लिए और अपनी प्लेट लगा ली है छोले और चावल आप लोग भी खाना खा लीजिए साथ में अपने दिया को भी खिलाऊंगी थोड़े से ये नहीं उबले हुए छोले आपको पता ही है चावल मैं उसको देती नहीं हूँ रात को वैसे नानी के घर से खाकर आई है वो पता ही चुकी है आप लोगों को कितने मजे से वो रात के बज रहे हैं ग्यारह दियु को लग गई है भूख दिया के लिए हम उबले हुए छोले लेकर आए हैं नानी के घर से तो खा के आई थी ना ये खाना मैं आपके छोले खा खा खाओगे ना कुछ फिर क्या करोगे आप? कुछ करोगी क्या गुस्से में क्या करोगी दियो आपने मेरी शिकायत लगाई थी नानी से हाँ। क्या बोला नानी से नानी 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 मम्मी ने ना कमरे में करा। हाँ। बोला कमरे में तो बंद नहीं कर रहा था ये तो झूठ बोला नहीं लगाई फिर तुम भूल गई खेल में लग गई होंगी दीव का खाना चल रहा है और राखी को भी भूख लग गई राखी भी अपने छोले चावल खा रही है दोनों रात को खाना खाती हैं। हो है गया? अच्छा तो सुना रही हूँ कहानी तुम कहानी सुना रही हूँ मैं कौन सी कहानी सुना थी उसका नाम पता क्या था दिया था अच्छा अच्छा चलो अच्छा प्यार से सुना गाना सुनाऊं कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ बोलते कहानी आप बोलते गौनी दुण। 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 अच्छा 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 एक बहुत ही सुंदर सी छोटी सी गुड़िया थी उसका नाम पता क्या था दिया वो रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती थी और जल्दी उठ के ना तुरंत फ़ोन ले लेती थी फिर फ़ोन में बहुत सारे गेम डाउनलोड करती थी और अच्छी अच्छी चीज़ें डिलीट कर देती थी गेम खेलती रहती थी फिर मम्मा उससे फ़ोन छीन लेती थी सुबह सुबह ही आधे घंटे बाद ही फिर मम्मा उसको नहलाती थी और उससे पहले ब्रश करवाती थी फिर पापा को क्या खाने को देती थी हेल्दी हेल्दी चीज़ें नाश्ता फ्रूट्स सैलेड फिर दोपहर के खाने का टाइम हो जाता था फिर उसके बाद खाने के बाद क्या मिलता था बिस्किट मिलता था फिर उसके बाद पॉपकॉर्न भी देती थी कभी कभी मम्मा चिप्स भी देती थी एक मतलब एक दो चीज़ें दे देती थी फिर उसके बाद फिर से फ्रूट्स मिलता था और फिर रात के खाने का टाइम हो जाता था उससे पहले बाबू को मम्मा नानी के घर में लेके जाती थी <laughs> लेके जाती थी या नहीं जाती थी जाती थी और नानी के घर पर बाबू मखाने खाता था और और वो डाइट मिक्चर भी खाता है वहाँ जाके तरबूज और आज तो रोटी भी खा के आया था वो बाबू सो कहानी सुनते सुनते जो है दिया को नींद आ गई है और सोते सोते वो कितनी प्यारी लगती है छोटू सा मुंह है उसका प्यारा सा मासूम सा देख के लगता है ना कि सुबह से लेकर रात तक मेरे घर में रौनक लगाए रखती है नानी के घर से भी होकर आ गई है थक चुकी है और कहानी सुनते सुनते मेरा बच्चा मेरे पास ऐसे ही सो जाता है और मेरे ऊपर लदी रहती है पूरी रात तो मैं बाय बाय करती हूँ आप लोगों को और गुड नाइट बोलती हूँ मैं भी सो जाती हूँ आप लोग भी सो जाइए बाय बाय टेक केयर